वेलकम। आज इस वीडियो में मैं डिस्कस करने वाली हूँ मध्य प्रदेश की योजनाएं जो 2018 में लॉन्च हुई है या जिसमें मॉडिफिकेशन हुआ है 2018 में। योजना जो है वो इम्पॉर्टेंट टॉपिक है मध्य प्रदेश पीएससी के लिए। इसमें ऑल इंडिया जो सेंटर की योजनाएं हैं या फिर स्टेट की योजनाएं जो मध्य प्रदेश की पर्टिकुलरली, दोनों पूछी जा सकती है। ठीक है, तो इसमें कुछ एक या दो योजनाएं सेंटर की पूछी जा सकती है और एक या दो योजनाएं मध्य प्रदेश की पूछी जा सकती है। अब योजनाओं का सिर्फ नाम नहीं पूछा जाता है, उसकी कुछ डिटेल्स भी पूछी जाती है। एग्जैक्ट डेट नहीं पूछेगा, लॉन्चिंग ईयर पूछेगा कि कब लॉन्च हुई है और किस चीज़ से रिलेटेड है या उसमें प्रोविजंस क्या है या वो किसके वेलफेयर के लिए लॉन्च की गई है। तो योजनाएँ जो है इम्पॉर्टेंट आपको याद करनी है, याद रखनी है। और नेक्स्ट है मध्य प्रदेश की योजनाएं। सबसे पहली योजना है मध्य प्रदेश मेधावी विद्यार्थी योजना 2018 में जून में एक्चुअली ये योजना लॉन्च हुई थी। और इसके बाद ये किस किन स्टूडेंट्स के लिए है, ये सीबीएसई और आईसीएसई के जो स्टूडेंट्स हैं उनके 80%, ये पहले जो परसेंटेज था वो 85 था, देन सितंबर में ये चेंज करके 80% कर दिए गए, उन लोगों को भी इसका बेनिफिट मिलेगा। देन एमपी बोर्ड के स्टूडेंट्स के लिए ये है 70% या 70%, जो 75% था पहले और सितंबर में चेंज कर दिया इसको 70% में। ट्वेल्थ में आपको इतने मार्क्स मिलने चाहिए फिर आप इस योजना के लिए अप्लाई कर सकते हैं। इसके लिए अप्लाई भी ऑनलाइन किया जाता है। ये जून 2018 में लॉन्च हुई है और मॉडिफाई हुई है सितंबर 2018 में। नेक्स्ट है एमपी ऑनलाइन खसरा खतानी भूमि अभिलेख। पहले जो भूमि या जो लैंड का रजिस्ट्रेशन था वो ऑफलाइन होता था, एक खसरा किस्तबंदी की बुक आती थी या ऑफलाइन जो रिकॉर्ड है वो होता था, तो इसको पूरा कम्प्लीटली ऑनलाइन कर दिया गया है। इसमें आप मैप भी ऐड कर सकते हैं, अगर कोई चाहता है भूमि का रजिस्ट्रेशन करवाना तो वो कम्प्लीटली ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन होगा मैप्स के थ्रू। तो इसमें एक और फ़ायदा क्या है कि जो जिनका लैंड है या जिनकी भूमि है जो नागरिक, वो अपने रिकॉर्ड की एक कॉपी भी ले सकते हैं। ठीक है, इसमें सारा रिकॉर्ड रहेगा ऑनलाइन और मैप्स के थ्रू रहेगा, तो उसमें जो लैंड है उसमें कोई गड़बड़ी नहीं होगी लैंड के रिकॉर्ड में या उसके मेजरमेंट में। देन नेक्स्ट है मध्य प्रदेश विदेश अध्ययन छात्रवृत्ति योजना। हर स्टूडेंट चाहता है कहीं ना कहीं कि विदेश में जाके पढ़ सके, पर कुछ लोग ऐसे होते हैं जो पैसों की कमी की वजह से या गरीबी की वजह से नहीं जा पाते हैं। तो ऐसे स्टूडेंट्स की हेल्प करने के लिए मध्य प्रदेश सरकार ने एक योजना लॉन्च की है जिसका नाम है मध्य प्रदेश विदेश अध्ययन छात्रवृत्ति योजना। तो ये जो है योजना पिछड़ा वर्ग और अल्पसंख्यक कल्याण विभाग द्वारा प्रस्तुत की गई है। जो पिछड़ा वर्ग और अल्पसंख्यक कल्याण विभाग जो है माइनॉरिटीज़ और बैकवर्ड क्लासेस का जो वेलफेयर जो विभाग है उनके द्वारा प्रस्तुत की गई है। तो इसमें जो कुछ सेलेक्टेड स्टूडेंट्स रहेंगे उन लोगों को उच्च शिक्षा देने के लिए वित्तीय सहायता प्रदान की जाएगी। मतलब अगर कहीं वो विदेश में एडमिशन लेना चाहते हैं या किसी फॉरेन यूनिवर्सिटी का कोई एग्ज़ाम निकालते हैं तो उनकी हेल्प के लिए कुछ पोर्शन होगा, या अगर कोई नहीं कर पा रहा है तो उसकी कंप्लीट फ़ीस गवर्नमेंट की तरफ से पे की जाएगी। तो इससे बहुत बढ़ावा मिलेगा स्टूडेंट्स को और जो ब्रिलियंट स्टूडेंट है उनको मौका मिलेगा आगे बढ़ने का। पैसे की कमी की वजह से किसी का एजुकेशन पीछे नहीं रहेगा। देन फोर्थ है मध्य प्रदेश पशु संजीवनी योजना। तो मध्य प्रदेश में वैसे जो एनिमल स्टे के वो काफ़ी है, काफ़ी ज़्यादा है। तो ये एक प्रॉब्लम होती है कि जब एनिमल्स या पशु किसी के पालतू जानवर बीमार पड़ते हैं तो उनको प्रॉपर मेडिकल ट्रीटमेंट नहीं मिल पाता है। फिर उसकी दो ड्रॉबैक्स होते हैं उसकी, या तो वो बीमारी फैलती है दूसरे एनिमल्स में या फिर उनकी डेथ हो जाती है जो सफ़र कर रहे हैं उस पर्टिकुलर डिसीज़ से। तो नॉलेज की कमी, एजुकेशन की कमी की वजह से वो लोग उन चीज़ों को सीरियसली भी नहीं लेते हैं और कई बार ऐसा होता है कि उन लोगों के पास इतना पैसा नहीं हो पाता है कि वो मैनेज कर सके ट्रीटमेंट करवाना या उनको उस पर्टिकुलर जगह तक ले जाना जहाँ पर उनका ट्रीटमेंट हो सके। हालांकि गवर्नमेंट के हॉस्पिटल्स रहते हैं पर फिर भी वहाँ तक लेकर जाना या उनको बुलाना या ये सब चीज़ें मैनेज करना डिफ़िकल्ट हो जाता है।
तो इसके लिए एक टोल फ्री नंबर है 1962 जिस पर कॉल कर सकते हैं। और इसके बाद जब आप इस पे कॉल करेंगे तो जो टीम है एनिमल जो जो उनको ट्रीटमेंट देने के लिए जो टीम है वो सीधे घर पर आएगी। तो उसमें एनिमल को इधर से उधर ले जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, वो टीम सीधे घर पर आएगी, उसका ट्रीटमेंट करेगी और जाएगी। तो ये सुविधा बहुत कारगर साबित होगी इन फ्यूचर, क्योंकि ये भी एक बड़ी प्रॉब्लम है। एंड जैसे ह्यूमन को डिसीज़ होते हैं वैसे एनिमल्स को भी होते हैं, तो वही उनके ट्रांसपोर्ट में या उनको पर्टिकुलर जगह तक ले जाने में जो परेशानी होती है उसका इससे सॉल्यूशन मिल जाएगा। देन नेक्स्ट है मध्य प्रदेश सरल बिजली बिल योजना, बकाया बिजली बिल माफ़ी योजना। ठीक है, ये मध्य प्रदेश सरल बिजली बिल योजना है। इसके अंतर्गत जो बकाया बिजली बिल मतलब जो किसान और मजदूर जो गरीब हैं उनका बिजली बिल काफ़ी हद तक माफ़ किया गया। तो इसमें मुख्यमंत्री जन सॉरी मिस गलती से वो प्रिंट हो गया, मुख्यमंत्री जन कल्याण योजना संबल योजना में जिनका रजिस्ट्रेशन है जिन मजदूरों का, तो वो इनका लाभ ले सकते हैं। इसमें क्या है प्रोविजंस, 200 से अधिक बिल पर सरकार सब्सिडी प्रदान करेगी। 200 से अधिक अगर बिल है तो उसको उस पर सरकार सब्सिडी प्रदान करेगी, और अगर 200 से कम है तो वो आपको ही पे करना पड़ेगा। तो ये गरीबों के लिए ये अच्छी योजना है। हर महीने 200 रुपये से अगर अधिक है तो वो सरकार देगी, उसमें मध्य प्रदेश सरकार हेल्प करेगी या सब्सिडी प्रदान करेगी। ये एक और इसमें प्रोविजन है कि गरीब जो है उन लोगों को मुफ्त बिजली कनेक्शन भी दिया जाएगा इस योजना के अंतर्गत। नेक्स्ट है मध्य प्रदेश जननी सुरक्षा योजना टोल फ्री नंबर। मध्य प्रदेश जननी सुरक्षा योजना जो है एक्चुअली ये सेंटर की स्कीम है जो काफ़ी दिनों से चल रही है। तो इसमें जो मदर और न्यूबॉर्न बेबीज़ हैं उनकी सुरक्षा के लिए जननी सुरक्षा योजना चालू की गई थी, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि डिलीवरी के लिए हॉस्पिटल पहुंच नहीं पाती महिलाएं, और उनको कई बार फेटल कंडीशंस का भी सामना करना पड़ता है। तो उसको अवॉइड करने के लिए गवर्नमेंट ने ये स्कीम लाई थी जननी सुरक्षा योजना। तो मध्य प्रदेश सरकार ने इसमें एक और एडिशन किया है, वो है टोल फ्री नंबर 104। ठीक है, जननी सुरक्षा योजना में जो NRHM है उसके द्वारा लॉन्च की गई, NRHM मतलब नेशनल रूरल हेल्थ मिशन। तो इसमें 1600 रुपये माँ को एवं 600 रुपये आशा कार्यकर्ता जो उनको बताती है कि डिलीवरी गवर्नमेंट हॉस्पिटल में ही कराना चाहिए। ठीक है, और 1600 रुपये माँ को प्रदान किए जाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है मध्य प्रदेश मुख्यमंत्री युवा उद्यमी योजना। तो इसमें साफ साफ नज़र आ रहा है कि ये उद्योग को बढ़ावा देने के लिए योजना लाई गई है मध्य प्रदेश में। तो इसमें क्या प्रोविजंस है, इसमें अनुसूचित जाति के जो युवा बेरोजगार है जिनके पास जॉब नहीं है और जो बिलोंग करते हैं SC या अनुसूचित जाति को, उन लोगों के लिए है योजना। इसमें राज्य सरकार जो है मार्जिन मनी सहायता पर बैंकों के माध्यम से ऋण प्रदान करेगी। राज्य सरकार इसमें इन लोगों को जो अनुसूचित जाति के बेरोजगार युवा है जिनके पास जॉब नहीं है उनको ऋण प्रदान करेगी। ठीक है, ये हालांकि ये बहुत ज़्यादा हेल्प नहीं कर पाती है योजनाएं, पर फिर भी उनके एक लेवल पे एक लेवल बढ़ जाता है ये, जो अगर लोगों को पता है अवेयरनेस है लोगों में तो काफ़ी अच्छा इफेक्ट भी देखने मिलता है कई बार योजनाओं का। देन इसमें क्या प्रोविजन है, ये 10 लाख से 2 करोड़ तक का ऋण प्रदान करेगी। ठीक है, तो ये पूरा माफ़ नहीं करेगी ऋण, लेकिन ये ऋण प्रदान करेगी 10 लाख से 2 करोड़ तक का। तो ये बहुत बड़ा अमाउंट है अगर कोई बिजनेस। नेक्स्ट है मध्य प्रदेश मुख्यमंत्री तीर्थ दर्शन योजना। तो मध्य प्रदेश में जो योजना है ये, इसमें वरिष्ठ नागरिकों को सुविधा प्रदान करने के लिए योजना लागू की है। कई बार लोगों का मन होता है, ये एक मेंटालिटी है इंडिया में कि बुजुर्ग होने पर हमको तीर्थ यात्रा करनी है, ये लोगों का मन होता है। तो अगर पैसों की कमी या किसी और वजह से नहीं जा पा रहे हैं तो उनको प्रॉपर सुविधाएं प्रदान करना और उनकी फाइनेंशियली हेल्प करना, ये इस योजना का मुख्य उद्देश्य है। ये जून 2018 में लॉन्च हुई थी। 9th योजना है मध्य प्रदेश प्रतिभाशाली छात्र प्रोत्साहन योजना।
तो इसमें राज्य सरकार ने लैपटॉप खरीदने के लिए कुछ स्टूडेंट्स को 25,000 रुपये प्रदान किए, टोटल 22,000 स्टूडेंट्स को दिए हैं 25,000 रुपये। और ये जो 12th के बाद SC ST के जो स्टूडेंट्स हैं, MPBSE मतलब मध्य प्रदेश बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन, जो 10th के बाद इन लोगों ने जिनने 85% मार्क्स लाए हैं, ये सामान्य श्रेणी के लिए, और SC ST के स्टूडेंट्स के लिए है 75% मार्क्स। 10th में इतने मार्क्स लाने पर ये 25,000 रुपये प्रदान किए गए हैं, जो जून में आयोजित की गई थी, ठीक है, मई जून में आयोजित की गई थी ये स्कीम। तो इसमें बहुत सारे बच्चों को इसमें बहुत बेनिफिट मिला है, और आगे उनके पढ़ाई में हेल्प करने के लिए ये बहुत अच्छी योजना है जो राज्य सरकार द्वारा लागू की गई थी।